शुरुआत कुरमुरे से। अभी ये कांदा, कांदा डालो, चिल्लेला कांदा, नो कांदा, पुट कांदा, पुट कांदा। और क्या डाला जाए, चने की दाल है ये डाल देते हैं, भुने हुए सिंग दाना, और इसको भी, अब इसको क्या कहते हैं, सेव। बस इतना सिंपल, मतलब पहले यू कैन सेव सम फॉर मी। ओके, आई विल सेव सम फॉर यू। अच्छा, अब ये तो अब आसान था, थोड़ा सा मुश्किल वो है चटनियाँ। ये चटनी बनी हुई है, इसमें अदरक, पुदीना, धनिया, नमक, नींबू, हरी मिर्च, ये तो हो गई हरी चटनी, और एक अब लाल चटनी, सूखी लाल मिर्च होल वाली, और मुझे थोड़ी पता। नहीं, ओके, सूखी हुई लाल मिर्च, लहसुन, नमक, चाहिए तो थोड़ा सा नींबू, ओके, चाहिए की चटनी, ठीक है, ये दो चटनी हो गई। अच्छा, अब इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा पतला करना है, और इसके साथ साथ एक और चटनी, कोकम नहीं, इमली वाली है, इमली, सॉरी, हाँ, इमली वाली मीठी चटनी, गुड़ की, ये भी थोड़ा सा डाल देते हैं, इसको क्या कहते हैं, पूरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम कभी आप भेलपूरी खाए ना, हाँ, उसे कहना भैया एक आधी पूरी देना, खड़ा रहेगा 2 मिनट, बोलेगा क्या कि आधी दूं या पूरी दूं, है? अच्छा, तो कितनी आधी डालूं, कितनी पूरी डालूं? आप 6 डालिए, 6 पूरी, आधी फुल, और 3 छोटा सा कागज का टुकड़ा भी। अच्छा, 6, अब हम इसको क्रश कर दिए। अब हमें बिल्कुल नहीं मालूम इसमें कितनी आधी है, कितनी पूरी है। चलिए, ये हो गई, अब इसे तो ये मिक्स कर लिया। अब ये चटनियाँ हैं, उसमें नमक तो है ही है, लेकिन थोड़ा सा नमक, और अब ये चटनियाँ, लाल चटनी, तीखी वाली, हाँ, और ये हरी, फूगे हुए चावल है ना, पटपट कर रहे ले, हरा धनिया, अच्छे से नींबू तो खाएंगे ना, नींबू मैं खाता हूँ, और मेरी बीवी कहती नींबू को काटने का एक सही तरीका होता है और गलत तरीका होता है। ये रहा नींबू, हाँ, वो रही छुरी, हाँ, अब बताइए सही, मैं बताता हूँ, हाँ, गलत तरीका ये होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप इसको ऐसा काटेंगे तो कुछ निकलता नहीं है, ओके, और सही तरीका ये होता है, बिल्कुल सही है, अगर यूं काटेंगे तो जब नींबू को निचोड़ते हैं तो इसका रस बहुत सही से निकलता है, ओके, तो मतलब ये सही, ये नींबू सही कटा, ये सही कटा हुआ है, ओके, तो ये नींबू का रस डालकर, और ये जो भेलपूरी है इसमें खासियत यही है कि इसको जल्दी से मिक्स करना चाहिए, ये जो फूगे हुए चावल हैं वो एकदम ऐसे क्रिप्स रहने चाहिए, और मुंह में जाके फूटे तभी मजा है, वाह, इसलिए तो मुझे इसमें आलू पसंद है। हाँ, देखिए भाई, वाह, बच्चों के लिए मीठी चटनी, नहीं तो ऐसे ही, और खाने के लिए चम्मच, क्रिप्स है। भेलपूरी के लिए 6 कप कुरमुरे, 1 कप सेब, 1/2 कप भुनी हुई या फ्राई की हुई चना दाल, 2 बड़े चम्मच भुनी हुई मूंगफली, 8 से 10 पूरी या पापड़ी, 1 बारीक कटी प्याज, नमक स्वादानुसार, 4 बड़े चम्मच हरी चटनी, 4 बड़े चम्मच इमली और खजूर की चटनी, 2 बड़े चम्मच लहसुन और लाल मिर्च की चटनी, 1 छोटा चम्मच नींबू का रस, और 1/2 कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया। भेलपूरी के लिए 1 बड़े बोल में कुरमुरे, बारीक कटे हुए प्याज, चना दाल, मूंगफली के दाने और सेव डालकर मिक्स कर लें। इसमें तली हुई पूरी या पापड़ी को तोड़कर डालें, नमक और तीनों चटनियां डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके साथ इसमें नींबू का रस डालकर मिलाएं और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और सेव के साथ सजा कर तुरंत सर्व करें। इसमें आप उबले हुए आलू भी डाल सकते हैं, ये आपकी पसंद के हिसाब से।